हम ही काम कर रहे हैं और जिन जो काम नहीं कर रहे हैं उसके बाद भी उनकी सैलरी दी जा रही है, तो फिर हमें काम रोकना पड़ेगा। जो कर्मचारी काम नहीं करेंगे उनको होगा जरूर दुख होगा, बाकी जो काम कर रहे हैं उनको तकलीफ नहीं है किसी प्रकार की। बहुत तारीफ हो रही है, हम लोगों को सैलरी नहीं दे रहे हैं और सैलरी हम लोगों की हर शनिवार और इतवार को बुलाते हैं। बैंक वाले सब इकट्ठे होके और कलेक्टर साहब के पास जा रहे हैं ये ज्ञापन देने। रात रात में काम कराया जा रहा है, ना तो सैलरी हरण की जा रही है और साहब जब भी फोन लगाते हैं तू 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 थोड़ा करके बात करते हैं। एक भी संडे की छुट्टी नहीं मिली हम लोगों को, कम से कम 3 महीने हो गए इस प्रकार से कार्य। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, ना उनके पास जा पा रहे हैं और साहब से कोई बात करो तो ना वो सुनते हैं हम लोगों की ना कुछ, सिर्फ सोकास और सस्पेंड की धमकी दी जाती है हम लोगों को इस प्रकार। GM साहब से बात करें तो GM साहब सुनने के लिए इसको तैयार ही नहीं है हम लोगों की कोई भी बात, और काम भी कर रहे हैं हमारे यहाँ से। हमने 4 समिति T40 करा दी हैं, 2 समितियाँ गोलाई भी करा दी हैं, रात में 11-11 बजे तक काम कर रहा है हमारा पूरा स्टाफ। अभी जिला सहकारी बैंक के कर्मचारी हैं, बैंक में एक योजना के तहत काम चल रहा है पैक्स कंप्यूटराइजेशन, जिसके अंतर्गत JR ऑफिस से एक लेटर आया था कि संबंधित कर्मचारियों की सैलरी रोकी जाए। तो ये काम आपके समिति स्तर का काम है जिसमें समिति प्रबंधक और उनके ऑपरेटर्स के लिए काम करना है। हमारा काम है प्रधान कार्य स्तर से ट्रेनिंग देना है, मॉनिटरिंग करना है, इसके बाद भी एक एक समिति प्रबंधक कैडर से 5-5 समितियां कराई जा रही हैं और टेक्निकल इश्यूज हैं सॉफ्टवेयर में जिस वजह से काम थोड़ा स्लो हो रहा है। जिन जिलों में एक भी समिति का कार्य नहीं हुआ है वहाँ पर भी सैलरी निकली है, लेकिन हमारे ज़िले में 42 T14 प्राप्त होने के बाद, 17 समितियां लाइव होने के बाद भी हमारा वेतन आहरण रोका गया है और सभी लोगों का वेतन आहरण रोक दिया गया है। हमारे जो मुख्य कार्यपालन अधिकारी हैं जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के, उनकी भाषा में भी संयम नहीं है और अब तो वेतन के भी लाले पड़ गए। अब उनका कहना है कि कोई समिति की जो फीडिंग के ERC के काम चल रहे हैं, ERC में समिति प्रबंधकों का या समिति के कर्मचारियों को उनके वेतन से वंचित किया जा सकता था, लेकिन उन बैंक कर्मचारियों को भी इसमें लपेट लिया। बैंक कर्मचारियों के परिवार में खाने पीने के लाली पड़ रहे, इतना ज़्यादा वेतन तो मिलता नहीं है इसमें जिला सहकारी बैंक में कि हम शासकीय कर्मचारियों से तुलना करने लगे। घर में लाली पड़ रहे, आदमी लोन लिए हैं तो उसकी किस्त ड्यू हो गई तो पेनाल्टियाँ खा रहे हैं।